शाम का। और अब बनाऊंगी शाम को खाना, और बहुत काम हो जाता है बस। और मेरा ये भतीजा आया था ना, तो आप पूछ रहे थे, कई लोगों ने पूछा था कि आपका भतीजा है तो मतलब देखने में, तो इसके हाथ इस तरीके से हैं। ये देखिए, ये बचपन से ऐसा ही हुआ था, इसके पैर भी जुड़े हैं और इसके हाथ भी जुड़े हैं, ये देखिए ये। और ये तो बस भगवान की देन है, ये इस तरीके से अब तो काफ़ी, और इसे खाना भी खा लेता है और सारे काम कर लेता है, बहुत अच्छा बेटा है। और समझदार तो इतना है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सारे बात समझता है और सारी बातें भी, और कुछ कुछ कहीं कहीं पे बात जो मतलब इसकी नहीं समझ में आती है, बहुत देर में समझ में आती है। और नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते, और कहो कि आप सब लोग कैसे हो। सब लोग कहते हैं तो बस ऐसे ही इसकी आवाज़ फिर भी बहुत मतलब अच्छी आवाज़ इसकी निकलने लगी है, बहुत ज़्यादा। इसके पैर भी जुड़े हैं, और ये काफ़ी जब हुआ था ना बचपन में इसका बहुत काफ़ी, तो काफ़ी दिक्कत हुई थी बचपन में। तो जानते हैं कि गांव में जब बच्चा होता है, अगर कुछ किसी तरह का होता है तो लोग तरीके हर तरीके से बातें बनाते हैं, तो डीमोटिवेट करने वाली बात होती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कि कोई कह रहा था कि नहीं ये बच्चा बचेगा नहीं, कोई कह रहा था कि ये कैसे क्या करेगा कैसे नहीं, मगर भगवान सब कुछ बुद्धि दे देता है और सारा काम कर लेता है, और खेत का भी सारा काम कर लेता है। और जैसे अपने बैल है, भैंस है, उसके लिए चारा भी ले आता है काट के, और सारा घर का काम भी कर लेता है, साथ में अपने पापा का हाथ भी बटाता है, सारा काम कर लेता है, और बहुत समझदार है और बहुत अच्छा लड़का बेटा है ये। और बस कुदरत की देन है, और बस बुद्धि बहुत है, तो हमने सोचा चलो आपसे मिलवा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मतलब पूछा था कि ये भतीजा है आपका, तो वो हाथ इसका कैसा है और इसका मतलब फेस, तो बस यही मैं दिखाना चाह रही थी। कि और बस मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में राय है तो प्लीज़ आप बताइएगा। वैसे इसकी उंगलियां सारी हैं, ये देख लिए थी, ये एक ये देखो है, ये अंगूठा है, ये देखो बीच में है, ये भी है, देखो ये तीन उंगली हो गई, और इसके बाद ये चार हो गई, और यहाँ पे भी मतलब ये बीच जो उंगली है इसमें दो हैं, पांचों उंगली है, पांचों उंगली नसें जो इसकी हैं सब हड्डियाँ दिखती हैं, और ये देखिए सब दिखती हैं, सब दिखती हैं, ये देखिए सब दिखती हैं, ये देखिए। और अगर आपको अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग कोई राय दीजिए कि इसका क्या ऑपरेशन कैसे क्या, फ़िलहाल तो मैं मतलब भैया ले गए थे तो वहाँ ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, तो सोच रही हूँ कि अगर इसका अभी ऑपरेशन हो जाएगा तो उस समय तो मना कर दिया था कि बहुत छोटा था तो मना कर दिया था, और शायद काफ़ी पैसा भी लगेगा इसमें ठीक कराने में, और पता नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं कि थोड़ा सा और सही हो जाए और तो इसकी ऑपरेशन वगैरह जो है वो हो, और उंगलियां इसकी अच्छी हो जाए, अच्छा खासा बेटा है तो अच्छा हो जाए, बस यही भगवान से दुआ करती हूँ बस। और ये तो कुदरत की देन है, और तो चलते हैं फ्रेंड्स, तो बाय बाय कर लो, बाय 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 बाय। तो ठीक है, आगे की प्रोसेसिंग दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो फर्नीचर का काम चल रहा है और इतना गंदा हो रहा है कि कुछ पूछो ना, इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि काम मतलब शादी का ऑर्डर लेते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, तो बेड वगैरह बना रहे थे रात को भी, दिन में कहीं और करते हैं जाके और रात को फिर वो काम समेटते हैं, तो काफ़ी रात हो जाती है। तो और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी होने लगी है, इस वजह से मेरा मोबाइल भी खाली नहीं रहता है, और आप जानते हैं कि आप सभी का वीडियो मैं मॉर्निंग में ही देख पाती हूँ, क्योंकि यहाँ नेट भी नहीं अच्छा चलता है, और तो इसीलिए बस।
और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, बस मैं यही इतना ही बात करने सोच रही थी कि मैं बस इतना ही आपसे बात करूँगी और आगे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा मेरा वीडियो हो रहा है। तो बाय बाय।